तो आज देश 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अब से करीब ढाई घंटे बाद दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस बार का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बेहद खास रहेगा। खास इसलिए क्योंकि इस बार आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं और ये संभव हुआ है पीएम मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से। आसियान डिप्लोमेसी के जरिए मोदी ने एक साथ कौन कौन से तीर साधने की कोशिश की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक दो नहीं, चार पांच नहीं, पूरे 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख आए हैं। भारत के बुलावे पर म्यांमार भी आया, कंबोडिया भी आया, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया और सिंगापुर सब आए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के गवाह बन रहे हैं। यही है इस बार के गणतंत्र दिवस की सबसे अनोखी बात, यही है इस समारोह की सबसे दिलचस्प तस्वीर। ऐसा पहली बार है जब गणतंत्र दिवस समारोह में किसी एक राष्ट्र प्रमुख को चीफ गेस्ट बनाने की बजाय भारत ने दुनिया के एक अहम हिस्से को अहमियत दी, आसियान देशों को तवज्जो दी, इन देशों के सबसे बड़े लीडर्स को इस खास आयोजन का हिस्सा बनाया, सबको चीफ गेस्ट बनाया। इनमें शामिल है म्यांमार के सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, फिलीपींस के राष्ट्रपति डिड्रो दुर्तेते, मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक, थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रायुत चानोचा, ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया, कंबोडिया के पीएम हुन सेन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग, वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यूगियन शियान फुक, लाओस के प्रधानमंत्री थोंग लोन सिसोलित। वी आर सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ आवर पार्टनरशिप, आवर शेयर्ड वॉयज गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। It is a privilege for India to host all the ASEAN leaders for the second time in 5 years. गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत में इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रमुखों का जमावड़ा लगा है। इसे मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मेरे 20 years of India-ASEAN friendship. This one is significant because 25th year obviously has a huge significance. But what makes it absolutely historic is the fact that we would have all the 10 leaders as chief guests for our Republic Day. That is unprecedented. It has never happened before. असल में 2017 में आसियान के साथ भारत की साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं। दोस्ती की उस रजत जयंती को भारत इस नायाब अंदाज में मना रहा है। लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह में 10 आसियान देशों के प्रमुखों के शरीक होने के मायने और भी हैं। जानकार मानते हैं किस पहल के जरिए भारत आसियान देशों के बीच अपनी दखल बढ़ाना चाहता है, आसियान देशों को साथ कर हिंद महासागर में पावर बैलेंस करना चाहता है। यही नहीं, आसियान देशों से नजदीकी बनाकर साउथ चाइना सी में भी दबदबा बनाने की कोशिश है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आसियान देशों और भारत की दोस्ती के ये रंग काफी गाढ़े हैं। वो इसलिए क्योंकि ये देश हिंदुस्तान से सांस्कृतिक तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इस दोस्ती के मायने अलग हैं। खुद पीएम मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में इसका जिक्र किया। फ्रेंडशिप हैज बीन नर्चर्ड बाय आवर शेयर्ड कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंकेजेस, द रामायण, द एंशिएंट इंडिया एपिक कंटिन्यूज टू बी ए वैल्यूएबल शेयर्ड लेगेसी इन आसियान एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो भारत ने आसियान देशों से अपने प्राचीन रिश्तों का हवाला दिया है और इसलिए 10 राष्ट्र प्रमुखों को इस खास मौके पर न्योता दिया गया है। 44 साल बाद ऐसा हो रहा है जबकि गणतंत्र दिवस के मौके पर एक से ज्यादा मेहमान बुलाए गए हैं। इससे पहले 1968 में, फिर 1974 में एक से ज्यादा विदेशी मेहमान बुलाए गए थे। 1968 में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोशिकिन आए थे। 1974 में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के साथ श्रीलंका के प्रधानमंत्री एस भंडार नायके भी चीफ गेस्ट थे। मोदी सरकार के लिए आसियान देशों से ये दोस्ती डिप्लोमेसी, डिफेंस और डेवलपमेंट के लिए खास मायने रखती है, खासकर ऐसे मौके पर जबकि चीन पूरे इलाके में अपनी दखल बढ़ा रहा है। वैसे सिर्फ भारत ही आसियान की तरफ नहीं देख रहा है बल्कि चीन से साउथ चाइना से विवाद में उलझे कई आसियान देश भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस का आज का समारोह पीएम मोदी के बिग विजन की वजह से एक बार फिर खास बन गया है। पहला मौका है जब एक या दो अतिथि नहीं बल्कि 10 खास मेहमान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं।
राजपथ पर आज फिर दिखेगा पीएम मोदी की बड़ी सोच और बड़े विजन का जश्न। पीएम मोदी की वजह से आज फिर नजर आएगा राजपथ पर गणतंत्र दिवस का बिग सेलिब्रेशन। इस बार गणतंत्र दिवस का यह समारोह आसियान देशों के 10 नेताओं की मौजूदगी से और यादगार बन जाएगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पीएम ने गणतंत्र दिवस को ग्रैंड बनाया हो। गणतंत्र दिवस के पिछले तीनों समारोह में इसकी झलक दिख चुकी है। पीएम बनते ही उन्होंने 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बुलाया था, 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलान और पिछले साल अबू धाबी के प्रिंस क्राउन बतौर चीफ गेस्ट समारोह में शामिल हुए थे। मोदी की यही बड़ी खूबी इस बार भी राजपथ के परेड में नजर आएगी। भारत के इस कदम के पीछे एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रदर्शित करना है। जानकारों के मुताबिक आसियान देशों के नेताओं का यह दौरा कई मायनों में अहम है। सभी राष्ट्राध्यक्ष ऐसे वक्त में भारत के दौरे पर हैं जब क्षेत्र में चीन का दखल और अकड़ बढ़ती जा रही है। डोकलाम के मुद्दे पर चीन ने गुरुवार को एक बार फिर अपनी हिकड़ी दिखाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आसियान देशों का ताजा दौरा भारत के साथ इन देशों के द्विपक्षीय संबंधों में नई मजबूती लाएगा और क्षेत्र में रणनीतिक कदम उठाने में मदद मिलेगी। कहना होगा, आसियान देशों के साथ भारत का रिश्ता 2000 साल पुराना है। ये बात आसियान की बैठक में पीएम ने कही भी है। इट इज ए प्रिविलेज फॉर इंडिया टू होस्ट ऑल द आसियान लीडर्स फॉर द सेकंड टाइम इन 5 years। टुमारो यू विल बी अवर ऑनर्ड गेस्ट एट अवर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। नरेंद्र मोदी चौथी बार 26 जनवरी के इस आयोजन में बतौर प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। हर बार वो इस समारोह में विशिष्ट अतिथियों की मेजबानी के साथ एक नया और बड़ा रूप दे देते हैं।